लोगों का खास मन पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी गॉसिप लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, गॉसिप ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियाँ भाई जो कि हमेशा सोशल मीडिया पर, चाहे वो स्टार के साथ जुड़ी हो, उनके फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हो, भाई चर्चा का विषय बनी रहती है। उनकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में गॉसिप्स की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ रहती हैं। ये सारी बातें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और इस प्रोग्राम में हम शुरुआत करते हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद ही चुलबुली और मात्र एक गाने से, अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीतने वाली लूलिया ऑफ निधि झा। जी हाँ दोस्तों, लूलिया जहाँ अपने एक गाने में पवन सिंह के साथ उनके एक गाने लूलिया का मांगले से इतनी फेमस हुई कि आज उनके इतने ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गए हैं कि हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आखिर किस वजह से इस बार फिर से लूलिया खबरों में बनी हुई है, या यूँ कह लें गॉसिप का एक खास विषय इनके ऊपर मिल गया है कि इस समय पर वो अपनी खास फिल्म की शूटिंग किस तरह से कर रही हैं। देखिए हमारी ये खास। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों की लूलिया गर्ल निधि झा गैंगस्टर दुल्हनिया फिल्म करने के बाद अब बहुत जल्दी अपनी अगली फिल्म के साथ लोगों के बीच आने वाली हैं। जी हाँ, वो भी अपने इश्क के साथ। दरअसल निधि झा एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं जिसका नाम है इश्क कबूल है। इस फिल्म में निधि झा के साथ एक नई एक्ट्रेस की एंट्री होने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निधि झा को इस फिल्म के सेट पर उन्हें देखने वालों की भारी भीड़ रोजाना देखी जा रही है। निधि झा से मिलने के लिए आए दिन इस फिल्म के सेट पर लोगों की भीड़ रोजाना देखने को मिलती है। हाल ही में निधि ने भी अपने इंस्टा से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मौजूद दर्शकों की भीड़ से मिलती जुलती नजर आईं। वेल, बता दे जाते जाते कि जल्द ही निधि झा पवन के साथ भी एक फिल्म करने वाली हैं जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से रहेगा। तो देखा भाई आप लोगों ने कि आखिरकार भाई हमारी जो निधि झा और लूलिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी चर्चा ना हो भाई। और इसी वजह से उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा दर्शकों का भीड़ उमड़ गया है उनकी फिल्म के शूटिंग को देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर में। जी हाँ, जिसमें हम बात करते हैं खेसारी लाल, हमारे जो खास स्टार है खेसारी लाल यादव, उनके बारे में। भाई खेसारी लाल यादव को लेकर एक खबर काफ़ी ज़्यादा गॉसिप का विषय बन गया है सोशल मीडिया पर। खबर कुछ ऐसी है कि हमारे खेसारी लाल यादव कहीं कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? आपको बता दें कि एक आम व्यक्ति से एक हीरो बनने तक के सफ़र में खेसारी लाल यादव के बहुत से ऐसे दोस्त बने जो कि जिन्होंने उनके इस सफ़र को आसान किया, बहुत ही अच्छे ढंग से उसे आगे बढ़ाया। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं गुमनामी के इसमें खो गए हैं। जी हाँ, लेकिन चलिए आप लोगों को दिखाते हैं खेसारी लाल यादव के कुछ खास दोस्तों के बारे में, या कुछ खास ऐसे स्टार के बारे में जिनका जिक्र शायद अब खेसारी लाल यादव के साथ उतना नहीं होता है। देखिए हमारी खास। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से जुड़ी आज एक और खबर हम आप लोगों को बताने आए हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जो कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, और खेसारी लाल यादव के आम व्यक्ति से हीरो बनने के सफर में कई ऐसे लोग उन्हें मिले जो कि उनके एक अच्छे दोस्त भी बने। लेकिन अचानक से खेसारी जैसे जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे खेसारी के कुछ पुराने दोस्त हैं जो अब कहीं ना कहीं गायब होते नजर आ रहे हैं। चाहे वो हम बात करें निशा दुबे की, या फिर पवन पांडे की, या फिर खेसारी के साथ काजल राघवानी, जिनके साथ खेसारी ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। लेकिन अब खेसारी काजल के साथ कम और नई नई हीरोइनों के साथ ज्यादा नजर आ रहे हैं। वेल, इस समय पर अगर खेसारी का जिक्र हो ही रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खेसारी की फिल्म संघर्ष का हम जिक्र ना करें। जी हाँ, आज फिल्म को रिलीज हुए 44 दिन हो चुके हैं और आज भी ये फिल्म का जलवा बरकरार है। तो देखा अपने दोस्तों, आखिरकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार हैं यानी खेसारी लाल यादव, कहीं ना कहीं वो अपने आप को आगे बढ़ा तो रहे हैं, उनके साथ कई लोग भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब मिस हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव को उन्हें एक बार फिर से बुला लेना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। अगली गॉसिप में बात होगी पवन सिंह की।
एक ऐसे अभिनेता जिनके छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक हर कोई उनके गाने के उनकी फिल्मों के फैन है और गायकी के खास करके। तभी तो कहीं भी के पवन सिंह का स्टेज शो होता है तो भाई दूर दूर से जो फैंस हैं उनसे मिलने पहुंचते हैं। यहाँ तक कि खबरें तो ऐसी भी आती हैं कि पवन सिंह के स्टेज शो पर कई विदेश से भी लोग आते हैं। चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि आखिरकार हमारे पवन सिंह के हाल ही 7 सितंबर को हुए कलकत्ता के स्टेज शो में उनके कौन से फैंस की फैन के साथ उनकी मुलाकात हुई है और आखिरकार उस फैन का जिक्र हम आज अपने प्रोग्राम में क्यों कर रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का 7 सितंबर को कलकत्ता के नेताजी स्टेडियम में धमाकेदार स्टेज शो का आयोजन किया गया था, जिस स्टेज शो में पवन के साथ भोजपुरी के सबसे छोटे एक्टर और सिंगर यानी कि अरविंद अकेला कल्लू भी शामिल हुए थे और इस स्टेज शो की कई तस्वीरें कल्लू ने सोशल मीडिया पर शेयर भी की जिनमें कल्लू के साथ पवन सिंह नजर आ रहे थे। तो वहीं आज उस स्टेज शो का एक और फोटो वायरल हुआ जिस स्टेज शो में पवन की तस्वीर तो है ही और साथ में पवन के साथ एक बच्चा भी नजर आया है। वैसे तो ये तस्वीर स्टेज के पीछे की है जहां पवन सिंह के फैन ने छोटा सा बच्चा उनसे मिलने पहुंचा था। वेल दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पवन सिंह के साथ स्टेज शो में तो उनके फैंस आते ही हैं उनसे मिलने। साथ ही खबरों की माने तो कहा जाता है कि पवन सिंह के फिल्म की शूटिंग के दौरान भी उनसे कई ऐसे फैंस हैं जो काफी दूर से मिलने आते हैं। देखा भाई आप लोगों ने हमारे स्टार यानी कि हमारे पवन सिंह के फैन की भाई कमी नहीं है। जी हाँ, खबरें तो ऐसे भी हमें मिली हैं कि पवन सिंह जब अपनी फिल्म की शूटिंग करते हैं तो बहुत दूर दूर से लोग, जी हाँ, बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोग मुंबई पहुंच जाते हैं पवन सिंह से मिलने के लिए। खैर जाने दीजिए, अब भाई पवन सिंह तो भाई स्टार तो बन ही गए हैं तो ये जायज सी बात है कि फैन उनके पीछे दीवाने तो होंगे ही होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। जाते जाते आखिरी बार हम जिक्र कर रहे हैं फिर से आखिरी खबर में, वो है पवन सिंह को लेकर ही। पवन सिंह पापा बनने वाले हैं, ये खुशखबरी तो आप लोगों को मिल ही गई है, लेकिन पवन सिंह पापा बनने के बाद उन्हें कौन कौन सी और खुशी मिल रही है ये भी जानना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और पवन सिंह की जो खुशियां हैं वो और बढ़ती जा रही है और उनकी जो पसंद नापसंद है वो भी ज़्यादा हो गई है। इस समय पर पवन सिंह का रुझान कुछ बच्चों की तरफ ज़्यादा हो रहा है, कहीं ये पूरा इशारा करता है कि बहुत जल्द पवन सिंह के घर में एक छोटे से बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। चलिए दोस्तों आपको भी दिखाते हैं पवन सिंह आखिर क्यों अपने बच्चों क्यों छोटे बच्चों की तरफ उनका रुझान हो रहा है, क्यों छोटे बच्चों की तरफ वो बार बार आकर्षित हो रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग करने में व्यस्त हैं। हाल ही में पवन की और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ बच्चों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर किसी बच्चे के साथ पवन और ज्योति की तस्वीर वायरल होती है वैसे ही दोनों से जुड़ी कई सारी खबरें भी वायरल होने लगती हैं और लोग उसे पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों से पवन का लगाव आजकल काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, तो कहीं बच्चों से पवन का ये लगाव एक नई खुशखबरी का इशारा तो नहीं करता कि जल्द ही ज्योति एक खुशखबरी देने वाली है? वेल, अगर ऐसा है तो पवन की जिंदगी में कई सारे नए नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं और ज्योति उनके लिए काफी ज्यादा लकी भी साबित होने वाली है। तो देखा आपने दोस्तों, यही थी आज की भोजपुरी की वो खबर जो गॉसिप का विषय बनी हुई थी और इसीलिए हमने फटाफट आप लोगों को पूरे दिन में कौन सी खबर सबसे ज़्यादा लोगों को जाननी ज़रूरी भी है और गॉसिप में भी है, इसलिए आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आएँ और फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।